देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग प्रारंभ से कहे हैं कि राम सबके हैं, सबको समान अधिकार है। जिनके पास श्रद्धा है, समर्पण का भाव है, सब राम के हैं। तो अभी 10 करोड़ परिवार को हम लोग आमंत्रित दे रहे हैं और अभी आपके सामने वार्ता हुई, तो जो प्रतिदिन लक्ष्य है उसको अभी ऐसे क्रॉस कर रहे हैं लोग। और इसीलिए आज ही से सूचना मिलना शुरू हो गई है कि आप जो मटेरियल दे रहे हो, मटेरियल वो नहीं पर्याप्त होगा और मटेरियल चाहिए। तो जब सबको हम दे रहे हैं तो लालू जी नीतीश जी को भी देंगे। वहां आपने समय मांगने के लिए पत्र लिखा था, क्या वहां से अभी तक जवाब आया? अभी तक कोई जवाब नहीं हुआ, उनकी व्यस्तता होगी ऑफिस की। जब आएंगे, हमारा ये अभियान चलेगा अभी से 15 तारीख तक। जिस दिन वो समय देंगे, जाके कोई न कोई आमंत्रण देंगे उनको। देखिए, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, अब उनके काम का हम कैसे गछ लें। हमारा काम है कि एक भी परिवार छूटे नहीं। इस प्रसन्नता के माहौल में कोई ये न कहे कि इतना बड़ा देश में उत्सव हुआ, मैं छूट गया। तो कोई छूटे नहीं, ये हिदायत हमने अपनी ओर से अपने कार्यकर्ता को दिया है। राजा से रंक तक सबको आमंत्रित करो। जो जो हमारे नहीं जा, अयोध्या सबका जाना संभव नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं साथ में कि आप अपने मोहल्ले में, अपने घर में, जहाँ भी आपका देव स्थल है वहाँ उपस्थित होइए। वहाँ सामूहिक रूप से उपस्थित होकर भजन करिए, कीर्तन करिए। साथ में जो दिल्ली का लाइव प्रसारण है उसको देखिए, प्रसाद वितरण करिए और संध्या में अपने यहाँ दीपावली मनाइए। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 22 तारीख के लिए हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि 22 तारीख को मत आइए। 22 तारीख का जो आयोजन है उसमें हम किसी VIP का समुचित व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, सुरक्षा कारणों से, बाकी कारणों से, क्योंकि इतना बड़ा अभियान ये अनुष्ठान रहेगा कि हर एक लोग उसी में व्यस्त रहेंगे। इसीलिए कोई भी VIP देश से नहीं बुलाए जा रहे हैं, केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे। अन्य मुख्यमंत्री भी जो है उनको भी नहीं बुलाया जा रहा है। 24 को जब अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो आए, सब लोग दर्शन करें, ये निमंत्रण है हमारा।